हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी कभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं, कभी कभी हमें मैसेजेस भी देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड की जरूरत है। हम अपना ब्लड देना तो चाहते हैं, हम अपना ब्लड डोनेट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर अगर हमें कभी पता भी होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है तो ये नहीं पता होता कि हम किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आपको आज के ज़माने में ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े, आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, अननोन पर्सन ही चाहे कोई क्यों ना हो, ताकि आप उसे अपना ब्लड डोनेट कर सकें, ह्यूमैनिटी की रक्षा कर सकें। ओके, तो चलिए आज हम जानते हैं कि अगर आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप को अपना डोनेट कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो कम्प्लीटली है आपके लिए। चलिए देखते हैं आप इसे किससे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो भी सिंपल एक चार्ट के थ्रू, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि आप कैसे किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर पॉजिटिव हैं आप, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को नहीं डोनेट कर सकता है। सिर्फ ब्लड के मामले में ये ऐसी बात होती है जहां पे हम नेगेटिव को एडवांटेज समझते हैं, पॉजिटिव को नहीं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ए पॉजिटिव अगर आप हैं तो ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि ए और ए बी है, तो मतलब ए उसके संग इंक्लूड है, तो आप दो को दे सकते हैं पॉजिटिव। जैसा कि मैंने अभी बताया, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ए निगेटिव हैं तो आप ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, उसके साथ ही साथ ए पॉजिटिव प्लस ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव का एडवांटेज चल रहा है। ओके, तो बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को क्यों, देखिए इसमें ए बी दोनों आ रहे हैं, तो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप बी निगेटिव है तो बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव प्लस ए बी पॉजिटिव, इन चारों को आप डोनेट कर सकते हैं। और ए बी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ए बी पॉजिटिव हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ए बी पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, और किसी को भी अपना ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए बी निगेटिव हैं तो ए बी निगेटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को भी आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे भी मिथ है। अगर आप ओ पॉजिटिव हैं तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ओ निगेटिव हैं, यस, जैसा कि पहले भी हमने बात की, नेगेटिव को एडवांटेज है, तो अगर आप ओ नेगेटिव हैं तो ही उसी हाल में ही आप जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनको अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब दिख रहा है ओ नेगेटिव है तो आप ए पॉजिटिव, बी सॉरी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल चार्ट है, उसको देख के आप प्योरली समझ जाएंगे कि आप किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन मैंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ एरो का यूज किया है। दोनों मेथड ही अच्छे हैं आपको याद करने के लिए। अगर आपको उस चार्ट के थ्रू याद रहता है, प्रीवियस चार्ट के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू अगर आपको याद रहता है आप किसे डोनेट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू याद रखिए कि पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं, निगेटिव को नहीं, और निगेटिव को एडवांटेज रहता है, और खास तौर से ओ नेगेटिव को, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये चार्ट इजी लगता है तो आप इस चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि आपको, आप किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।